हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और बर्थडे के बाद मैंने फिर से आज ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सो ऊपर में वो सब अभी भी है, देखते हैं आप लोग देखा। सो आज सुबह से बहुत सारा काम किया और मेहमान जो है मम्मी पापा मेरा भैया आए थे तो वो लोग चले गए हैं और घर अभी पूरा सुना सुना हो चुका है। फिर भी मैंने दो तीन दिन तो ब्लॉग किया ही नहीं अब वहाँ पे। सो दो तीन दिन के बाद ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो थकान लग रही थी इसीलिए मैंने शूट नहीं किया और सोची थी प्राची क्या हुआ कुछ भी नहीं, वन मिनट वो भी नहा धो लिया है, मैंने भी नहा लिया तो बहुत सारा कपड़ा वॉश किया है मैंने। वो सब कपड़ा वगैरह वॉश करके हम दोनों ने नहा भी लिया और कुछ भी काम नहीं है ज़्यादा अभी, जैसे अभी हमें दोपहर का खाना बनाना है, खाना है वही है। और प्राची का पापा भी ऑफिस गए हैं और बर्थडे व्लॉग भी मैं एडिट कर रही हूँ तो वो भी बहुत जल्दी जाने वाला है, शायद आज शाम तक या रात तक चले जाएगी। बहुत बच्चा लेके ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है फिर एडिट करना, और मेरा गला बैठ गया है ना, क्या करूँ बोलिए, बहुत सारा काम होता है। और उस बीच में आप लोगों के साथ ये सब मतलब शेयर भी करना है सो इसीलिए। और चलिए वहाँ पे प्राची बोलिए क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट खाओगे? मम्मा तुम्हारा हैप्पी बर्थडे कब था? हैप्पी बर्थडे ओ ना 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 ना, तो इसे अभी शायद नींद नहीं लगी है सो मैं इसे, अच्छा ठीक है। सो प्राची बेटा आज हल्ला कर रही है ना, एक्चुअली क्या हुआ ना वो क्या बोलते हैं 31 से मम्मी लोग थे तो अचानक वो लोग को मिला और अचानक चले गए। अभी घर पूरा सुना सुना है और मम्मी लोग जाने के बाद भैया भी थे एक दिन तो भैया भी कल चले गए हैं और ये अभी बहुत अकेली हो गई है ना, और पापा भी नहीं है ऑफिस में है। सो मुझे देख रही है, एक किसी कर दो पापा, एक किसी कर दो, और मैं किसी को देखा आप लोगों ने। सो बर्थडे हमारा बहुत अच्छा ही गया है। और उससे पहले मैं आप लोगों के साथ और एक बात बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो 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 मच आप लोगों को और मेरा जितना भी फ्रेंड है सब ने, और बहुत सारे अच्छे अच्छे विशेस आई है। हम इतना सारा प्यारा प्यारा विशेष आई है ना प्राची बिटिया के लिए, और थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना प्यारा प्यारा विशेष करने के लिए, थैंक यू सो 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 मच। और हैप्पी बर्थडे अच्छी तरह से चली गई है और प्राची भी हमारी अभी उसको नींद लगी है शायद इसीलिए। बाय द वे उसे मैं अभी सुलाती हूँ थोड़ा सा, ओ नहीं 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 सुलाती हूँ, पर आप लोगों को थैंक यू सो मच सबने इतना सारा विशेष करने के लिए, सो लव यू ऑल। और अभी मैं इसे सुना के फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद बात करूंगी। टट्टा बोल दो, टट्टा टट्टा बोल दो, टट्टा बोल दो, टट्टा। सो बात में मिल रही हूँ थोड़ी सी। सो यहाँ पे प्राची के साथ लड्डू खेलने के लिए आशीष दादा को बुला रही है वो,
और मेरा गला का आवाज़ थोड़ा सा ख़राब लग रहा होगा आप लोगों को सुनाई पे। ठंडा पानी पी थी मैंने, इसीलिए ऐसा हो गया है। सो प्राची अभी निन्नी से उठी है, और तो मैं भी निन्नी से उठ गई हूँ। तो प्राची के साथ मैं भी सो गई थी दोपहर का लंच करके। और क्या हुआ, बहुत ज़ोरों से बारिश दे रहा था, सो बाहर में बहुत सारा कपड़ा था और वो सब उठा रहा था, इसीलिए फटाक से उठ गई मैं। और प्राची देखिए, सो वो अभी हल्ला कर रही है, उसका साथ लूडो खेलना चाहिए कोई। तो मैं अभी थोड़ा सा इवनिंग टाइम का झाड़ू लगा के फिर प्राची को कुछ खिला देती हूँ। आवाज़ बहुत ख़राब से बैठ गया है, ठंडा पानी पिया था बहुत सारा इसीलिए गर्मी में। सो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। फिर से वही दुकान खा लिया, देखा। उतना बड़ा क्या डूब गिर रहे हैं। हो गया दे दो। अभी है डिनर टाइम, और डिनर पे मैंने अभी सिंपल सा चिकन था घर पे, सो चिकन बिरयानी बना दिया है। यहाँ पे हस्बैंड जी का है और यहाँ पे मेरा। सो यहाँ पे चिकन बिरयानी देखिए, इतना खिला खिला सा बना है, तो 10 मिनट में बन जाता है। इससे अच्छा और क्या सामान है रात के डिनर के लिए, फटाफट से बना दिया है। सो डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से आप लोगों से मिल रही हूँ। सो अभी हम लोगों का डिनर जो है वो हो चुका है, डिनर हमने कर लिया है। और अभी रात का टाइम है, तो मैं थोड़ा सा कपड़ा जो सूखने के लिए दिया था वो सब मैं अभी जस्ट भाज लगाऊंगी, और गोदरेज पे और सूटकेस पे जा जा जो जो सामान है वहाँ पे रखने वाली हूँ। और बर्थडे का बेलून्स के बारे में मैं एक बात बताना वाली हूँ। और गाइस, बर्थडे का बेलून्स जो है वो सब मैंने जो अभी मार्क्स दे रही है मुझे, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। कुछ बोल रहे हो? पप्पी एक दे दो पप्पी। बैलून्स की क्वालिटी जो है ना वो सब अच्छा था, जस्ट यहाँ से मुझे 4 पीस या 5 पीस ऐसा, मतलब मैंने जब फुला रही थी तब फट चुका था शायद। क्या बोलते हैं, ज़्यादा हवा भरने की वजह से भी फूट सकता है। सो बाकी ओवरऑल जो कॉम्बो पैक आया था ना तो 300 में आया था, इसीलिए मैं थोड़ा सा डर रही थी कि क्या होगा क्या होगा। पर आपको देखने से पता चल जाएगा जो बर्थडे व्लॉग है वहाँ पे, कि सारा कुछ ना अच्छा ही आया है, कुछ इतना ख़राब नहीं है। मैं सेटिस्फाइड हूँ, सामान बहुत अच्छा ही आया है। सो इसीलिए, और क्या बोलते हैं, फॉल्स बेलून जो है ना वो सब भी बहुत अच्छा था। और बेलून्स के बारे में मुझे डर लग रहा था कि बेलून्स सारे जैसे फटे हुए ना आए, जैसे फूल आने के बाद मुझे 50 पीस ना मिले, ऐसा नहीं है। जस्ट 5 पीस ऐसा ही कुछ होगा जो फुलाते वक्त थोड़ा सा डैमेज हो गया है, और दो जैसे तीन ऐसे फुलाने के टाइम में डैमेज हो गया है जो फूट गया है, ज़्यादा हवा भरने की वजह से भी हो सकता है। और दो था जो ऑलरेडी फूटा हुआ था। सो यही है ओवरऑल, बट 45 बैलेंस मुझे मिल गया है 5 को छोड़ के।
तो लाइक दे सकते हैं, मुझे अच्छा लगा उसका, मतलब फीडबैक मैं अच्छी ही दूंगी। सो मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैं दे रही हूँ। सो चलिए, और मैं एक सामान दिखाना भूल गई थी बर्थडे ब्लॉग पे, कि बर्थडे में हमने तो जितना भी कुछ किया है, और लेकिन बर्थडे ब्लॉग है ना, वहाँ पे जो बर्थडे का ड्रेस है, वहाँ से हमने दो ड्रेस दिया था, मम्मी ने थ्री ड्रेस दिया था, और प्राचिका मामा ने थ्री ड्रेस भेजा था, और बाकी गिफ्ट तो बहुत सारे उठे हैं, तो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ, जस्ट खिलौना कपड़ा वगैरह, और पैसा भी दिया है सबने, तो ये सब, और टेडी, बहुत सारा टेडी। सो प्राची को पसंद आया है उसका गिफ्ट वो सब ऐसे ऐसे करके देख रही थी, और केक जो है वो मामा की तरफ से आया था, और अभी एक गिफ्ट जो है वो आ रहा है मामा की तरफ से, अभी नहीं पहुंचा, 7 दिन के अंदर आई थिंक आ जाएगा, मैं ब्लॉग में दिखा दूंगी आप लोगों को। सो जो आने के बाद ही मैं दिखा दूंगी कि और क्या गिफ्ट आ रहा है, और बेबी हाई चेयर तो आपने देखा होगा, तो बाकी चेयर और ड्रेसेस वो उसका भी मैंने एक वीडियो बना के दे दिया था आगे ही। सो शूज़ मैंने लिया था, और हमने ऐसा ही कुछ, और बर्थडे का जो मेनू है इतना सा खर्चा ही किया था, इतना ज़्यादा बड़ा करके नहीं किया था इसीलिए। और हाँ मम्मा, और एक सिर्फ एक ही चीज़ दिखाना भूल गई थी, वो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। चलिए, चीज़ मैं लेके आई हूँ, यहाँ पे है, देख सकते हैं आप लोग, मम्मा भी आ गई है। तो ये एक फोटो फ्रेम है, जो प्राची का राइस सेरेमनी का एक फोटो था, मुकुट पहनी हुई, सो उसी फोटो को हमने, नहीं, गिरा दीजिए। सो उसी फोटो को हमने बनवा के लाया था स्टूडियो से, और जो एक वहाँ पे था, तो मैं दिखा रही हूँ आपको, वो भी दिखा दूंगी। सो स्टूडियो में मैंने कुछ फोटो वगैरह बना के लाया था, लाई थी। सो अभी ये फोटो फ्रेम मैं अच्छी तरह से आपको दिखा रही हूँ। तो ये है फोटो फ्रेम, तो प्राची यहाँ पे बैठी हुई है, देखिए प्राची अभी दिखाने भी नहीं दे रही है मुझे, वही देखेगी। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ मम्मा, कौन है ये, कौन है ये, कौन है मम्मा, कौन है ये, कौन है ये लड़की, कौन है छोटी सी लड़की, ये कौन है। सो देखा, ये वाला फोटो हमने बना के लाया था, सो प्राची के बर्थडे के लिए, तो ये मैंने दिखाया नहीं। और साथ में ये वाला फोटो देखिए, तो यहाँ पे 12 कॉपी फोटो मैंने निकाला था, ये वाला एकदम जब हमारा बेबी को दिया था हमारे पास नर्स ने, डॉक्टर ने तब, और ये वाला तभी एक दिन का है, जब एक दिन की थी प्राची, और ये वाला जब 1 महीना हुआ है तब का है, और ये वाला भी 2 महीने का था, ये भी 3-4 महीने का जब था तब का होगा, ये भी 5 महीने का, ये 7 महीने का, और ये वाला फोटो है जस्ट कुछ दिन पहले ही क्लिक किया था, जब राधा बनी थी तब का, ये बीच का ही है एक, जब नहा रही थी प्राची, और ये भी राइस सेरेमनी का वीडियो, मतलब फोटो है। और ये वाला है, ये वाला जब फर्स्ट टाइम विजिट किया था कामाख्या मंदिर प्राची ने तब का है, और ये वाला भी राइस सेरेमनी में कामाख्या का फोटो है। तो ये ही है फोटो फ्रेम बनाया था, और फोटो तो यही एक फोटो का लेयर 12 कॉपी का मैंने यहाँ पे लगवाया था डेकोरेट में, और ये फ्रेम जो है वो पहले का है, और यहाँ पे जो है ये प्राची लिखा हुआ है, PRACHI, ये मैंने खुद बनाया था, तो ऐसा है ओवरलुक, ये थोड़ा सा, हाँ अभी ठीक है। सो यही है, सो प्राची फिर से आ गई है गोदी पे, एक किसी करो मम्मा, एक किसी। अभी हमारा निन्नी का टाइम हो गया है, प्राची को भी निन्नी है, अभी प्राची अच्छी तरह से निन्नी करेगी,
आज का ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।